हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीनर्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये नॉटेड केबल। ये मुझे रिक्वेस्ट आई थी और इसकी जो छोटी साइज है वो मैंने बनाना सिखाई हुई है। अब आज हम बनाना सीखेंगे इसकी जो है लार्ज साइज, उससे बड़ी, ताकि अगर आप स्वेटर के बीच में ये रखना चाहें तो आप एक भी रख सकते हैं। अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोज रिसीव हो जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले हम सिलाई पे यहाँ पे फंदे डाल लेंगे। पिछली जो केबल मैंने आपको ये वाली सिखाई है छोटी साइज में, वो है 9 स्टिचेस पे, 9 फंदों पे। अब ये वाली जो होगी उससे बड़ी है, तो ये 15 फंदों पे है। आप इसे भी बड़ी बना सकते हैं, जितनी भी बड़ी आप चाहें, तरीका यही होगा। कास्ट ऑन स्टिचेस 15 स्टिचेस फॉर द केबल एंड 3 स्टिचेस ऑन बोथ साइड। 15 फंदे आप केबल के लिए डाल लें और 3 फंदे जो हैं हम दोनों तरफ से डालेंगे साइडों के लिए। मतलब ये जो केबल है वो 15 फंदों की है। बस अब साइड से अभी फिलहाल मैं 3 फंदे डाल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप डिज़ाइन के लिए किस तरह से इस पे फंदे डाल रहे हैं। जब स्वेटर बनाएंगे तो इस तरफ से भी फंदे छोड़ेंगे, इस तरफ से भी बीच में रखें या कहीं भी रखें, किसी तरह भी डिज़ाइन करें, बट केबल के लिए जो है हमने 15 फंदे डालने हैं। अगर आप केबल एक से ज्यादा बनाना चाह रहे हो तो हर केबल के लिए 15 फंदे होंगे, बीच में आप गैप के लिए कितने भी डाल लें। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो गए। अब 3 इधर के लिए, 3 इधर के लिए। 15 स्टिचेस वी हैव, नाउ वी विल गोइंग टू कास्ट ऑन 6 स्टिचेस, 3 फ्रॉम दिस साइड, 3 फ्रॉम दिस साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 15 फंदे केबल के हो गए, 6 फंदे हो गए साइड के लिए। अब सबसे पहले पहली सिलाई आपने 3 फंदे साइड वाले उल्टे बुन लेने हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी साइड, 3 फंदे उल्टे बुन लें। पर्ल 3 स्टिचेस, पर्ल मतलब उल्टा फंदा, नेट मतलब सीधा फंदा। पर्ल 3 स्टिचेस, धागा पीछे, और 15 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। निट 15 स्टिचेस। तीन फंदे उल्टे बुने, 15 फंदे हमने सीधे बुने, और 3 फंदे यहां पे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3, ये पहली सिलाई यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी सिलाई हमने क्या करना है, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, निट 3 स्टिचेस, 3 साइड स्टिचेस, एंड पर्ल 15 स्टिचेस। 15 फंदे आपने उल्टे बुन लेने हैं केबल वाले। पंद्रह फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए हैं केबल वाले। अब आखिरी जो 3 साइड वाले हैं वो सीधे बुनेंगे, निट 3 साइड स्टिचेस। नाउ रो 2 इज कंप्लीटेड, रिपीट दीज लास्ट 2 रोज टिल यू हैव टोटल 14 रोज। आप यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 14 सिलाइयां नहीं आ जाती हैं। यही आपने क्या करना है, तीसरी सिलाई पहली सिलाई की तरह कि भाई 3 फंदे उल्टे, 15 सीधे, फिर 3 उल्टे, एंड चौथी सिलाई जो होगी दूसरी सिलाई की तरह 3 सीधे, 15 जो है वो उल्टे और 3 सीधे। जस्ट रिपीट दीज 2 रोज। 14 सिलाइयां यहां पे कंप्लीट हो गई हैं। मैं यहां पे आपको काउंट करके दिखाती हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। Now we have 14 rows here. Now 15th row we will do cable twist here. अब जो सीधी साइड से हमारी रो 15 होगी, 15 हम यहाँ पे केबल का ट्विस्ट देंगे इन 15 फंदों पे, 15 स्टिचेस पे। साइड वाले 3 वैसे ही रहेंगे, बस यहाँ पे हमने केबल ट्विस्ट देना है, वो गौर से देखिएगा। रो 15, 15 राइट साइड सीधी साइड, ये 3 फंदे साइड वाले उल्टे बुन लें। पर्ल 3 स्टिचेस साइड स्टिचेस। नाउ निट 10 स्टिचेस। अब
10 फंदे सीधे बुन लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, ये 15 फंदे जो है ना केबल वाले, उसमें से हमने 10 बुने हैं और 5 इस तरफ हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये इस तरफ 5 रखने, इस तरफ 5 रखने, और बीच वाले जो 5 फंदे हैं ना पे हम 10 सिलाइयां बुनेंगे स्टॉक नेट स्टिच में। मैं आपको करके दिखाऊंगी। वी आर गोइंग टू निट 10 स्टॉक नेट स्टिच रोज ऑन दीज 5 स्टिचेस इन द मिड 5 स्टिचेस। टर्न बैक, रो 1 फॉर द मिड पार्ट, रो 1, स्लिप 1, पर्ल 4। एक फंदे को स्लिप किया, पहली सिलाई है, एक फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, टोटल हो जाएंगे 5। तो इन 5 फंदों पे हमने बुनते जाना है, 1, 2, 4, 5। टर्न बैक, दूसरी सिलाई, रो 2, स्लिप 1, निट 4। एक फंदे को आपने स्लिप करना है, 4 फंदों को सीधा बुन लेना है। अब फिर से टर्न बैक, तीसरी सिलाई, थर्ड रो, स्लिप 1, पर्ल 4। एक फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे उल्टे बुने। फोर्थ रो, चौथी सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे सीधे बुने। टर्न बैक, पांचवी सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे उल्टे बुने, स्लिप 1, पर्ल 4। टर्न बैक, एक फंदे को स्लिप किया, छठी सिलाई, 4 सीधे, नेट 4। टर्न बैक, सातवीं सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया, 5 और 4 उल्टे, एक पहला स्लिप ही हो रहा है। आठवीं सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया और 4 सीधे। नाइन्थ रो, नवीं सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया और 4 फंदे उल्टे बुने, पर्ल 4। टेंथ रो, दसवीं सिलाई, एक फंदे को स्लिप किया, 4 फंदे सीधे बुने। अब ये इस तरह का शेप आएगा आपके पास। 5 फंदे केबल वाले इधर है, 5 फंदे केबल वाले इधर है, बीच वाले 5 फंदों पे हमने क्या किया है, 10 लाइनें बुन रही हैं। आफ्टर निटिंग 10 रोज हेयर यू नीड टू केबल निडल्स। इफ यू डोंट हैव केबल निडल्स, जस्ट यूज एनी एक्स्ट्रा निडल्स और यूज हेयर पिन, ब्लैक हेयर पिन्स। आपने क्या करना है, आपके पास केबल निडल नहीं है तो आप कोई भी हेयर पिन इस्तेमाल कर लें, या एक्स्ट्रा सिलाइयां आपके पास हो तो वो इस्तेमाल कर लें। अब पहले हमने ये वाले 5 फंदों को केबल निडल पे डालना है, मतलब एक्स्ट्रा निडल भी आप बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा निडल पे रख लें जो भी आपके पास अवेलेबल है, और इसको आपने आगे की तरफ होल्ड करना है, इस तरह से होल्ड ऑन फ्रंट। उसके बाद ये पहले जो 5 फंदे हैं ना, पुट दीज फर्स्ट 5 स्टिचेस ऑन द केबल निडल, 2, 2, 3, 4, 5। Now hold this on back. ये आगे और ये पीछे, पहले वाले 5 फंदे पीछे और आगे वाले मिड वाले 5 फंदे यहां पे। अब जो आखिर वाले 5 फंदे हैं ना, वो हमने इस वाली सिलाई पे डालने हैं। Now put these 5 stitches on this needle. Let me show you. 5 फंदे, सही है? इसको आपने ख्याल से रखना है, निकलना है। अब इसको सीधा करें पहले और इनको बाहर निकालें, सीधा करके फिर बाहर निकालें यहां पे। अब इन 5 फंदों को भी इधर सिलाई पे डाल लेंगे, ये वाली, 1, 2, 3, 4, 4 और ये 5। ख्याल रखा करें कोई फंदा गिरे ना, अक्सर केबल तो इसमें हो जाता है अगर आप बिगनर हैं तो। अब ये वाले जो बैक वाले 5 फंदे हैं ना, इनको यूं सीधा करके उनको भी बाहर निकाल लें और सिलाई पे डालें, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये धागा पीछे जाएगा, होल्ड दिस योन बैक एंड निट दिस 5 स्टिचेस। ये 5 फंदे अब सीधे बुन लेंगे,
गलती से दो साथ ना बुन लीजिएगा, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे हो गए। अब ये आखिरी तीन फंदे आपने क्या करने हैं, उल्टे बुन लेने हैं, ये साइड वाले फंदे हैं। नाउ पॉल दीज फाइव साइड स्टिचेस, धागा आगे करके सीधा बुने, एक दो तीन। 15th रो कंप्लीटेड, रो 15 कंप्लीट हो गई है। 16वीं सिलाई, 16th रो, रॉन्ग साइड, सेम एज रो टू, नेट थ्री स्टिचेस, तीन फंदे सीधे बुन लें आप, और 15 फंदे जो हमारे केबल वाले फंदे हैं ना, उन सबको आपने उल्टा बुनना है। ये जो मैंने छोटी केबल आपको यही पैटर्न छोटी केबल बना के जो मैंने सिखाया है ना, उसमें मैंने दो दफा रिपीट किया है ये तरीका, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसी के साथ होगी, इससे पहले मैंने अपलोड की है वो, तो मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। अगर छोटी केबल्स रखनी है तो उसका कैसे, वो 9 फंदों की है, ये 15 फंदों की है। आप चार 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 के हिसाब से भी फंदे डाल सकते हैं, 12 फंदों की भी बना सकते हैं, इस ऐसा कोई रूल नहीं है, आपको जो इजी लगे आप कर सकते हैं, छोटा बड़ा है इसको। 15 फंदे उल्टे बुने, पर्ल 15 स्टिचेस, नॉनेट 3 साइड स्टिचेस। ये साइड वाले 3 फंदे हमने अब क्या करना है, सीधे बुन लेने हैं। तो टोटल 16 रोज, 16 सिलाइयां यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। वी हैव 16 रोज हेयर। नाउ रिपीट दी 16 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। आपने यही 16 सिलाइयां रिपीट करते जाना है, मतलब फिर से आप 14 सिलाइयां बुनेंगे इसी तरह जैसे हमने बुनी। उसके बाद रो 15 पे इसी तरह केबल ट्विस्ट आएगा, पीछे जाके देख लें। अगर आपको बिगनर हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करें, रो 1 से शुरू करें, पर इधर ही शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह ही 15वीं सिलाई पे आएगा ट्विस्ट, और 16वीं सिलाई जो होगी उसी तरह जैसे दूसरी सिलाई हम बुन रहे हैं। तो आप जब ये रिपीट करते जाएंगे तो आपको इस तरह इसका लुक मिलेगा। इसको हम नोटेड केबल बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सबके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।